हाय गाइस, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आंवले के और समी वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें और वीडियो शुरू से एंड तक देखें। जो भाई नए हैं मेरे चैनल को करें सब्सक्राइबर, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं समी का पौधा, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं अगर आप इसे शनिवार के दिन या दशहरा वाले दिन और फिर नहीं हो सके तो इसे शुक्ल पक्ष में लें। आपको ध्यान रहे जब भी आप इसकी पत्ती तोड़ें तो समी वृक्ष कहकर हे समी वृक्ष हमको आप अब इतनी पत्ती दे दें, हम उस चीज़ को पे चढ़ाएंगे या उस चीज़ को यूज करें उसका नाम लेकर ही इसकी आप पत्ती तोड़ें और आपको शनि देव की कृपा से और शनि वृक्ष की कृपा से गुलाब पे गुलाब माँ लक्ष्मी फूल छोटे आ रहे हैं, बड़े की कमी आ रही नहीं होगी। आप वर्मी कंपोस्ट आप दोस्त देख रहे हैं का पानी, अंग्रेजी गुलाब का है, मैंने आपको घोल करके डाल दिया और आपके गुलाब का फूल आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर होता है पौधा, बहुत ही सुंदर है। आप इस पौधे के लिए लगाएं 4-5 महीने और गमले में ये 10 इंच से देता है और 2-3 महीने तक हो जाता है। ये मैंने पिछले महीने लगाया था, राधे बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं देसी गुलाब का पौधा, इसे फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रहे ये जमीन में थोड़ा ज़्यादा फूल देता है। अगर आप गमले में लगाएंगे तो इसके अंदर जो गमले में हमारा एक सोल या होल होता है आप उसमें पत्थर रख लें और उससे यह होगा कि आपका पौधे में जब पत्थर रख लेंगे तो हवा और सांस इसको मिलती रहेंगी और आपका गुलाब फूल देता रहेगा। अब आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट, इसमें आप देख रहे हैं नई नई डिजाइन वाले पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों अगर किसी के यहाँ पर जगह नहीं है गमलों की तो आप इस चीज़ को देखकर गमले लगा सकते हैं और पेड़ों का पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले एक लोहे का जाल है, फिर उसके अंदर ये गमले की डिजाइन बनी हुई है। आप इसमें ध्यान रहे जो फ्रेंड ये गमले आते हैं इनके अंदर देखो आपको दिख रहे होंगे हुक है, जो इसके अंदर दो हुक फंस जाते हैं और आपका पौधा आराम ऐसा रहता है। फ्रेंड आप देख रहे हैं ये वाला गमला है, ये जेड प्लांट का पौधा है। इसमें देखो दो हुक होते हैं और इसमें इसी प्रकार से आप अपने गमले को टांग सकते हैं। आप दीवार में यानी कि भी अगर आपके पास गोल हो जब भी ये पौधे फ्रेंड टंग जाएंगे और पौधा आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही दीवार का जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे फ्रेंड वहाँ एक नया लुक आएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार से मैं नई नई वीडियो दिखाता रहूँगा। हैंगिंग बास्केट की स्पेशल वीडियो है दोस्तों, इसमें आप कुछ भी पौधा लगा सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं इंडोर प्लांट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।